हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए जो भी यूपी टीजीटी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही अदर आर्ट एग्ज़ाम के लिए भी ये उपयोगी रहने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवानी आर्ट क्लासेस पर, जहाँ आप आर्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर जो स्टूडेंट नए आए हो, सबसे पहले चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही पास में बने बेल के आइकन को प्रेस करेंगे, ऑल वाला क्लिक करेंगे, जिससे आपके सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को वॉच करते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। शिवानी आर्ट क्लासेस चैनल पर 12,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वीडियो में व्यूज़ नहीं आ पाते हैं क्योंकि आप लोग शेयरिंग नहीं करते हैं और यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन सभी को मिल नहीं पाता। इसलिए आपका ही दायित्व है कि आप वीडियो को शेयर किया करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के सामने। प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था? हर एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत ही कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया? ऑप्शन देखिएगा, अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, जानवरों की गतिविधि, विभिन्न आकृतियां, इनमें से कोई नहीं। नया प्रश्न है बिल्कुल, तो ध्यान से आंसर करेंगे। प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था? आंसर सभी लोग देंगे डेली आपको 8 PM पर ये वीडियो उपलब्ध कराई जाती है, तो आपका दायित्व है आप वीडियो को शेयर करें और हर एक वीडियो में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। हो सकता है बहुत ही जल्द आपके TGT PGT आर्ट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपको मिले, तो इसलिए आप तैयारी को और दुगनी गति से बढ़ा देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति। प्रागैतिहासिक मानव जो होते हैं ये बहुत ही कम रेखाओं में क्या व्यक्त करते थे? अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति। ठीक है, मानव जो था प्रागैतिहासिक मानव, वो चित्रों में रेखाओं और आकारों द्वारा अपनी अभिव्यक्ति, अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता था। जो भी वो अनुभव करता था उसी अभिव्यक्ति को वो चित्रों में दर्शाता था, अपनी मूक भावनाओं को अनगढ़ पत्थरों में अपने यंत्रों और तुलिका के माध्यम से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचकर गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर उसने अपनी अनुभूतियों को अंकित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है स्क्रीन पर। तो देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? होशंगाबाद, मिर्जापुर, आदमगढ़, उक्त सभी। इनमें से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? आंसर सभी लोग देंगे। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, होशंगाबाद, मिर्जापुर, आदमगढ़। ये तीनों ही प्रागैतिहासिक कला के केंद्र रहे हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के कुछ प्रमुख केंद्र आप लोग नोट कर सकते हैं। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे सुरहु घाट, लिखुनिया, भंडारिया, विजय घोड़मंगर, कांडाकोट, कोहबर, कुडहवा, तो ये सभी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के हैं केंद्र। इसके अलावा मानिकपुर बांदा उत्तर प्रदेश के भी कुछ केंद्रों के नाम आप नोट कर सकते हैं, सरहाट, करपरिया, करिया कुंड। इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आपके पंचमढ़ी है, होशंगाबाद है, सिंघनपुर है, भीमबेटका, रायगढ़ जो कि छत्तीसगढ़, पहाड़गढ़ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। पहाड़गढ़ आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो मध्य प्रदेश में आपका कौन कौन सा है? पंचमढ़ी है, होशंगाबाद है, सिंघनपुर है, भीमबेटका है, साथ ही छत्तीसगढ़। तो दक्षिण भारत का भी केंद्र आप देखेंगे बिल्लासरंगम तमिलनाडु में है, बेल्लारी जो आपका कर्नाटक में है, वायनाड के एडकल केरल में है, साथ ही झारखंड में भी एक प्रागैतिहासिक केंद्र है चक्रधरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने। प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए थे? ऑप्शन देखेंगे, गुफा भित्ति पर, कागज पर, कपड़े पर, कैनवास पर। प्रागैतिहासिक चित्र जो बनाते थे प्रागैतिहासिक मानव, वो किस धरातल पर चित्रित किए गए थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुफा भित्ति पर।
जिन्होंने ए आंसर दिया सभी का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अभिकथन वाला प्रश्न है और पेपर अगर थोड़ा सा टफ बनेगा तो अभिकथन वाले क्वेश्चन भी, मिलान वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अभिकथन ए कह रहा है कि प्रागैतिहासिक शैलचित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों और जंगली पशुओं का अंकन है। कारण बताया गया क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित था। तो ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन बी कह रहा कि ए गलत है, आर गलत है। सी में है कि ए सही है, आर सही है। और डी है ए सही, आर गलत है। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? अभिकथन वाले क्वेश्चन भी आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही और आर सही है। राइट आंसर होगा सी। ध्यान देंगे, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों और जंगली पशुओं का अंकन मिलता है और इसका कारण रहा है क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित था। तो इस प्रकार से दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5, ये भी आपका अभिकथन वाला है। तो ऑप्शन यहाँ पे अभिकथन ए आपको बताया गया कि प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है। सॉरी, कारण यहाँ पे बताया गया क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ था और अधिक टिकाऊ था। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है ए गलत, आर सही है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी में है ए सही, आर गलत है। ऑप्शन डी है ए तथा आर दोनों ही गलत है। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? आर्ट प्रिपरेशन फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही शिवानी आर्ट क्लासेस टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। इसके अलावा चैनल पे आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप हर एक प्लेलिस्ट को क्लिक करें और सभी वीडियो को वॉच करें। निश्चित ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों ही यहाँ पर सही हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक बार फिर से सुन लीजिएगा अभिकथन और कारण। तो प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर यानी कि पत्थर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था। तो यहाँ पर आपके दोनों ही अभिकथन और कारण सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व होता है? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी है कलाकार, ऑप्शन डी है कला साहित्य। तो सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम बनाने के लिए सबसे पहले तो कला आवश्यक है और कला के साथ ही साहित्य भी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कला साहित्य। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व होता है? कला साहित्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ध्यान देंगे। प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? डब्ल्यू एंडरसन की, प्रोफेसर जुनेर की, स्टुअर्ट पिगॉट की, डी एस गार्डन की। समकालीन कलाकारों की प्लेलिस्ट आप लोग क्लिक जरूर करें, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कलाकारों के क्वेश्चन भी कराए गए हैं और उनके विषय में डिटेल भी बताया गया है, जहाँ से आपके प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे एग्जाम में। प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टुअर्ट पिगॉट के। साथ ही बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो में भी आपको बहुत कुछ बताया जाता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? स्टुअर्ट पिगॉट की है। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों को पिगॉट ने अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक इंडिया में दिया है और 1950 में इस विषय की सामग्री को काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी इस बुक में स्टुअर्ट पिगॉट ने बताया है। प्रागैतिहासिक काल के आलेखनों एवं चित्रों के विषय में इस किताब में आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी दी गई है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं। प्रीहिस्टोरिक इंडिया किसकी बुक है? स्टुअर्ट पिगॉट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कला शब्द का परिचय सबसे प्रथम कहाँ हुआ? कला शब्द का परिचय
सबसे प्रथम कहाँ हुआ? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो कला शब्द का परिचय सबसे पहले कहाँ पर हुआ है? आंसर करेंगे सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। कला शब्द का परिचय सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, उपयोगी कला का संबंध है, तो उपयोगी कला का संबंध किससे होता है? मूर्तिकला से, वास्तुकला से, संगीत से, आभूषण से। सभी लोग आंसर देंगे उपयोगी कला का संबंध है, उपयोगी कला का संबंध किससे माना जाता है? उपयोगी कलाएं क्या होती हैं? ऐसी कलाएं जैसे कि जिनका हम उपयोग करते हैं अपने, जैसे कि बढ़ाई गिरी, सुनार गिरी, और इसी तरह से और भी ऐसे कार्य जिनका कि हम अपने घरेलू जीवन में उपयोग करते हैं। उपयोगिता को ध्यान में रखकर जो कलाएं बनाई जाती हैं, की जाती हैं, उन्हें उपयोगी कलाएं कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आभूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान देंगे। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया है? पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ग्रंथ किसका है? पाणिनि का है, और इसमें उन्होंने शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया है? ऑप्शन है ललित कला, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी उपयोगी कला, ऑप्शन डी है ललित कला तथा उपयोगी कला। दो प्रकार की कलाएँ होती हैं, ललित कला और उपयोगी कला। तो यहाँ पर आंसर देंगे सभी लोग, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ललित कला तथा उपयोगी कला। दोनों के ही लिए शिल्प शब्द का प्रयोग किया है पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में। ललित कला और उपयोगी कला दोनों के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? विनय पिटक, कल्पसूत्र, प्रश्न व्याकरण सूत्र, अष्टाध्यायी। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए विनय पिटक। पाली भाषा में रचित जो बौद्ध ग्रंथ है इसका नाम है विनय पिटक, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान देंगे। जयमंगला का लेखक कौन है? यशोधर पंडित, अवनींद्रनाथ, यामिनी राय, आनंद कुमार स्वामी। जयमंगला का लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जयमंगला जो लिखी गई ये यशोधर पंडित के द्वारा लिखी गई, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला के नाम से प्रस्तुत की थी, और इसमें यशोधर ने आलेखी यानी चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। कौन कौन से याद रखेंगे? इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, एक श्लोक है रूप भेदा प्रमाणानि भावलामणि योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगम। तो ये श्लोक याद रखिएगा, इससे एक प्रश्न आपको 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 65, 44, 25, 64। तो वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? वात्स्यायन के कामसूत्र में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही नोट कर सकते हैं शुक्र नीति में, शुक्र नीति में भी आपको 64, साथ ही ललित विस्तार में 86 और प्रबंध कोश में 72 कलाओं का उल्लेख मिलता है। आपसे कोई भी प्रश्न बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो एक प्रश्न के साथ और भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे, जैसे कि वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है, तो राइट आंसर डी 64 कलाएँ। इसके अलावा शुक्र नीति में अगर पूछा जाए कितनी कलाओं का उल्लेख है, तो 64 कलाओं का उल्लेख है। इसके अलावा ललित विस्तार में आपको 86 कलाओं का उल्लेख मिलेगा,
इसके अलावा प्रबंध कोश में आपको 72 कलाओं का उल्लेख मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है भरत मुनि, कुंतक, नग्नजीत, वामन। चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता हैं नग्नजीत। नग्नजीत या फिर भयजीत, ये दोनों ही नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, तो नग्नजीत या भयजीत के नाम से जाने जाते हैं। तो चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता हैं नग्नजीत, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, सम्रांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? ऑप्शन है 12वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। समरांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, 11वीं शताब्दी। समरांगण सूत्रधार जो है ये 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है और इसे राजा भोज के द्वारा इसकी रचना की गई थी। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक अगर आपसे पूछे जाए तो राजा भोज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार किसने बनाया था? राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार किसने बनाया था? ऑप्शन देखिए, चित्रलेखा, उषा, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार चित्रलेखा के द्वारा बनाया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, चित्रसूत्र किस पुराण से संबंधित है? गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण या फिर भागवत पुराण। तो चित्रसूत्र जो है ये किस पुराण से संबंधित है? आंसर सभी लोग देंगे, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। चित्रसूत्र जो ग्रंथ है ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित है। चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड के अध्याय 35 से 43 तक 9 अध्यायों में विभक्त, तो याद रखिएगा ये भी आपसे पूछा जाता है। अध्याय 35 से 43 अध्यायों तक ये 9 अध्यायों में विभक्त है और इस ग्रंथ की रचना मार्कंडेय मुनि यानी कि नारायण मुनि ने की थी। चित्रसूत्र में चित्रों के 4 भेद भी बताए गए हैं, सत्य चित्र, वैदिक चित्र, नागर चित्र और मिश्र चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है? कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है? सभी लोग आंसर देंगे। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार। कौन कौन सी? ललित कला और उपयोगी कला। ललित कला जिसे फाइन आर्ट यानी कि चारू कला भी कहते हैं, उपयोगी कला यूजफुल आर्ट जिसे कारू कला के नाम से जानते हैं। ललित कला जो है इसका उद्देश्य केवल मानसिक या आत्मिक आनंद प्रदान करना है और इसके अंतर्गत आपकी चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, साथ ही काव्य कला और संगीत कला आते हैं। उपयोगी कला जो होती है ये हमारे जीवन को भौतिक सुख प्रदान करती है और इसके अंतर्गत आभूषण बनाना, वस्त्र निर्माण करना, बढ़ईगिरी करना, ये सब कुछ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिएगा, भयजीत राजा का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा? भयजीत राजा का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा? ऑप्शन देखिए, नग्न आत्माओं को हराने के कारण, ब्रह्मा को प्राप्त करने के कारण, ब्राह्मण पुत्र को जिंदा करने के कारण, इनमें से कोई नहीं। एक बार आप सभी से पुनः निवेदन है कि प्लीज़ आप वीडियो को शेयर किया करें जिससे सभी के पास ये वीडियो रीच करे और शिवानी आर्ट क्लासेस चैनल को और आगे की ओर, उन्नति की ओर ले जाने के लिए बस इतना सा आप लोगों को एक काम करना है कि वीडियो को शेयर करना है।
यहाँ पर 12,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ पाते हैं क्योंकि यूट्यूब की तरफ से सभी को नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो आपका दायित्व है आप वीडियो को शेयर करके और चैनल को आगे बढ़ाएंगे। तो भयजित राजा का नाम नग्नजित क्यों पड़ा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नग्न आत्माओं को हराने के कारण, नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण भयजित का नाम नग्नजित रख दिया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, नग्न आत्माओं को हराने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ के दर्शन में अस्तित्व रखता है? सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ के दर्शन में अस्तित्व रखता है? ऑप्शन है भारत, जापान, चीन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। सत्यम शिवम सुंदरम जो है ये भारतीय दर्शन का मूल है और भारतीय कलाकारों द्वारा अजंता एलोरा की गुफाओं में कला का आदर्श रूप देखने को आपको मिलता है, जहाँ पर सत्यम शिवम सुंदरम को अपने चित्रों में कलाकारों ने कल्पना की भावना, अपनी कल्पना को उतारा है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, कला शब्द का पहली बार कहाँ प्रयुक्त हुआ है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड आ गया है, तो देख लेंगे कला शब्द जो है ये पहली बार कहाँ प्रयुक्त हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद में। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में प्राप्त होता है और कला शब्द का अगर आपसे पूछा जाए यथार्थवादी प्रयोग कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग सबसे पहले भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, नाट्य शास्त्र में मिलता है। दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कला शब्द पहली बार कहाँ प्रयोग किया गया, तो राइट आंसर यहाँ पर ऋग्वेद हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? ऑप्शन है ललित विस्तार, पंचतंत्र, चित्र सूत्र, काम सूत्र। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ललित विस्तार। संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ललित विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? 3, 1, 2, 4। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के 4 भेद बताए गए हैं, सत्य चित्र, वैदिक चित्र, नागर चित्र और मिश्र चित्र। साथ ही याद रखिएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई? मार्कंडेय मुनि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, मानसोल्लास में चित्र के कितने भेद बताए हैं? ऑप्शन है 2, 5, 4, 6। मानसोल्लास में चित्र के कितने भेद बताए हैं? और आज का प्रश्न आप सभी के लिए यही है कि मानसोल्लास की रचना किसने की, मानसोल्लास की रचना किसने की? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानसोल्लास में चित्रों के 5 भेद बताए गए हैं। और ये 5 भेद कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा विद्य, अविद्य, रस, धूलि, भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विष्णु के अवतारों की दशावतार की संकल्पना का सही अनुक्रम पहचानिए। विष्णु के अवतारों की दशावतार की संकल्पना का सही अनुक्रम पहचानना है। ऑप्शन ए है वराह, नृसिंह, मत्स्य, कूर्म। ऑप्शन बी है कूर्म, वराह, नृसिंह, मत्स्य। ऑप्शन सी है मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह। और ऑप्शन डी है मत्स्य, कूर्म, नृसिंह, वराह। तो इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से एग्ज़ाम में करना होता है। अगर आपको इनमें से कुछ अवतार भी पता है तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो विष्णु के अवतारों की यहाँ पर दशावतारों की सही अनुक्रम पहचानना है, यहाँ पर आंसर करेंगे सभी लोग।
सबसे पहले आपका हो जाएगा मत्स्य अवतार, इसके बाद कूर्म अवतार, फिर वराह, फिर नृसिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिन्होंने सी आंसर दिया सभी का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख किया गया है? अष्टाध्यायी, शिल्पतरु, विश्वकर्मिया शिल्प, सदनमाला। अष्टाध्यायी, शिल्पतरु, विश्वकर्मिया शिल्प, सदनमाला। राइट आंसर यहां पर देंगे सभी लोग। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वकर्मिया शिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम चुनिए। ऑप्शन ए विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अष्टाध्यायी हर्षचरित, कल्पसूत्र। ऑप्शन बी है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अष्टाध्यायी, कल्पसूत्र, हर्षचरित। ऑप्शन सी है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, हर्षचरित, अष्टाध्यायी, कल्पसूत्र। ऑप्शन डी है अष्टाध्यायी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, हर्षचरित, कल्पसूत्र। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? निम्न ग्रंथों का सही कालक्रम आप सभी को आंसर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन डी। सबसे पहले आपका अष्टाध्यायी, इसके बाद विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसके बाद हर्षचरित, फिर आपका कल्प सूत्र। अष्टाध्यायी जो है ये छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण छठी शताब्दी का है, हर्षचरित सातवीं शताब्दी ईस्वी, कल्प सूत्र 375 ईसा पूर्व लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है राजतरंगिणी, रासमाला, प्रमाण मीमांसा, इंडिका। सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, रासमाला। सोमेश्वर के द्वारा लिखित ग्रंथ है रासमाला। रासमाला और कीर्ति कौमुदी ये दोनों ही ग्रंथ सोमेश्वर ने लिखे थे, तो राइट आंसर यहां पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, गीत गोविंद के लेखक हैं वाल्मीकि, भानुदत्त, विल्हड़, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे सभी लोग, गीत गोविंद के लेखक कौन है? वाल्मीकि, भानुदत्त, विल्हड़, जयदेव। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जयदेव। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट